हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस जहाँ पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। देखो, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको आप माइंड में भी अपने सॉल्व कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग परसेंटेज में कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी परसेंटेज को बारीकी से समझा नहीं है। अगर आप एक बार से परसेंटेज को बारीकी से समझ लोगे, फिर आपका परसेंटेज का कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग करते क्या है, जैसे कि इस सवाल में दिया हुआ है कि 20% की वृद्धि होती है और 20% की फिर कमी हो जाती है, तो कितने परसेंट शुद्ध प्रतिशत, कितने परसेंट कमी हुई है। बहुत सारे लोग क्या कराएंगे, कहेंगे इसमें कि 0% की कमी हुई है, क्योंकि 20% वो समझेंगे 20% वृद्धि हुई है, 20% कम हो गई है, तो इसमें तो कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, उतना ही आना चाहिए आंसर। बट ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि परसेंटेज का हिसाब अलग है। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि आपसे 20 रुपये बढ़ा है। अगर ये कहते कि सेब के मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि हुई है, फिर 20 रुपए की कमी हुई है, तब तो हमारा आंसर सेम रहता। बट यहाँ पर यह है कितना, 20%, और परसेंटेज का हिसाब अलग होता है, इसलिए आप परसेंटेज को बारीकी समझो। परसेंटेज होता क्या है, देखो जब भी आपको कोई भी संख्या का परसेंटेज निकालना हो, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि उसमें आपके 100% है, कोई भी संख्या हो। जैसे आपको मान लो भी 200 का बात की जाए, तो 200 में आपके 100% होंगे, आपके 100% इक्वल 200। इसी तरीके से मान लो अगर 300 की बात की जाए, तो आपका 300 कितना होगा, 100%। मतलब जिसकी भी बात कर दी जाए, अभी मान लो जैसे हम कहें कि 1000 का 10%, अब आपका 100% कितना होगा, 1000। इसी तरीके से 5000 की बात की जाए, 5000 का 5% या 10%, कुछ भी पूछा जाए, 5000 की बात हो रही है ना, अब आपका 100% हो जाएगा 5000, 100% इक्वल 5000। बात को अच्छे से समझ लो, अगर आपको परसेंटेज में एक्सपर्ट बनना है, सिर्फ इसकी बारीकियों को एक बार समझ लो, फिर आपको परसेंटेज वाले सवालों में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग करते हैं कि फॉर्मूले वगैरह ये याद कर लेते हैं और इसकी बारीकियों नहीं समझते, इसलिए फिर आगे चल के प्रॉब्लम होती है। पहले आप इसकी बारीकी को समझो, उसके बाद फिर फॉर्मूले ट्रिक अपने आप बन जाते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बन जाएगी वो। यहाँ पर देखो, जिसकी भी बात हो, है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, कभी भी आपको 500 का, कभी 10000 का, कभी 20000 का, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो जिसका पूछा है उसमें आपके 100% होते हैं। बस आपको इतनी सी बात समझनी है, और यही से अगर आप बात समझ गए, तो आपको समझ लो परसेंटेज आपको अच्छे से आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, सेब के मूल में 20% की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर सेब का आपको मूल तो नहीं दिया है कि सेब का मूल 500 है या 1000 है, मतलब कुछ तो रेट होगा। अब यहाँ पर जब मूल नहीं दिया हुआ है, तब परसेंटेज हम मानेंगे कितना, कि इसका मूल कितना होगा। तब देखो, जब आपको परसेंटेज में कोई रेट नहीं दिया जाए, तब आप 100 रेट मानना, कितना मानना, 100। तो 100 में हमारे कितने परसेंट होंगे, 100%, क्योंकि आपको अभी हमने बताया जिसकी भी बात होती है उसमें हमारे कितने परसेंट होते हैं, 100% होती है। हमने यहाँ पर सेब के मूल में 20% की वृद्धि हुई है, यहाँ पर आपको सेब का मूल नहीं दिया हुआ है, इसलिए अब हम मानेंगे कितना, 100 मानेंगे। जब भी परसेंटेज वाले सवालों में आपको मानना पड़े, तो आप हमेशा 100 नंबर को ही मानना, उसकी भी रीजन है। देखो, मैथ में अगर आपको स्मार्ट बनना है, तो मैथ के हर एक चीज का रीजन जानना सीख लो, उसका रीजन के हिसाब से उसको पढ़ो, क्योंकि अगर 100% बराबर 200 है या 100% बराबर 300, मतलब कुछ भी है, तो उसकी वजह देखो कि ऐसा ही क्यों है। अगर उसकी आप वजह जानने लगोगे, तो आपको मैथ बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा। हम लोग पढ़ तो लेते हैं बहुत कुछ, बट कभी भी उसकी बेसिक में जाके समझते नहीं कि ऐसा ही क्यों हुआ है, और यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। इसलिए फिर हम जब मैथ में आगे पढ़ते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज्यादा। इसलिए मैथ में कोई भी चीज आप पढ़ो, तो उसकी बारीकी को पढ़ो, और ये भी जानो कि ऐसा ही क्यों है, है ना। जैसे हमने माना यहाँ पर 100 मूल, हमने माना 100 रुपए, अब 100 मूल बराबर 100%, बट हमने 100 मूल क्यों माना है, इसका भी आप रीजन अब जानो। 100 मूल हमने इसलिए माना है क्योंकि 100 का 1% एक होता है, 2% दो होता है, मतलब 100 एक ऐसा नंबर है, क्योंकि 100 में आपके कितने परसेंट होंगे, 100, तो 1% बराबर 1, 2% बराबर 2, 3% बराबर 3, इसलिए 100% मानते हैं। क्योंकि अगर 100 का हमें 50% निकालना पड़ा, तो 50 जितना परसेंट उतना ही रेट, तो आपका आ गया 100 रुपए बराबर 100%, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई है, अभी आपका कितना है, 100%। अब इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20%, अब 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 100 मानते ही इसलिए है, जिससे कि उसका परसेंटेज इजीली से निकल रहा है। तो इसमें 20% कितना हो जाएगा आपका,
100 का 20% 20 रुपए, तो आपका हो गया 120 बराबर 120%। आपका इतना सवाल सॉल्व हो चुका है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, और मैथ में एक बार और सीख लो आप कि सवाल को कभी भी पूरा मत पढ़ो, एक बार सवाल को पूरा पढ़ लो, समझ लो, फिर उसके बाद उसके स्टेप में डिवाइड करके उतना सॉल्व करते जाओ, आपके आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हमको दिया था सेब के मूल में 20% की वृद्धि की जाती है, सबसे पहले हमने माना सेब का मूल 100। अब 100 में कितने परसेंट होंगे, जिसकी बात हो उसमें 100% होते हैं, 20% की वृद्धि होगी तो 100 का 20% 20 रुपए, इसलिए 120 बराबर आपके 120%। अब कह रहे हैं 20% की कमी की जाती है, 20% की कमी की जाती है। अब एक बार ध्यान से आप देखो, जो आपका रेट है वो कितना हो चुका है, 120 रुपए हो चुका है। अब आपका 100 रुपए नहीं बचा है, अब आपका कितना हो चुका है, 120 रुपए हो चुका है। अब 120 में आपकी 20% की कमी हो रही है। अब किसकी बात हो रही है, 120 रुपए की। अभी जब हमने माना था 100 रुपए, तब वो हमारे 100% हो गए थे, फिर उसमें 20% वृद्धि हुई है, तो 120 रुपए बराबर 120% हो गया। अब ये कह रहे हैं कि जो आपको रेट भर चुका है उसमें 20% की कमी हो रही है, तो अब 120 की बात हो रही है, इसीलिए अब 120 कितने परसेंट होगा आपका, 100% होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिसकी भी बात होती है वही हमारा 100% बन जाता है। अब बात हो रही है 120 की, वृद्धि होने के बाद अब कमी हो रही है, तो वृद्धि होने के बाद रेट कितना हो चुका है आपका 120, इसीलिए अब 120 आपका कितना होगा, 100%। ठीक है, अब 120 जब आपका 100% है, तो 120 का 20% कितना है आपका, 24 रुपए, और 24 रुपए आप इसमें से माइनस करोगे, 10% आपका 12 आएगा, 20% आपका 24 आएगा, उसकी क्या हो रही है, कमी। आप कमी कर दो तो आपके 120 में से 24 जाएंगे, आपके बचाएंगे 96.96 रुपए। अब ये कह रहे हैं कि शुद्ध प्रतिशत कमी कितनी हुई है, आपकी स्टार्टिंग में कितना हुआ था रेट, 100, स्टार्टिंग में आपका रेट कितना था, 100 था, बट 20% की वृद्धि हुई है, 120 हो गया। अब 120 में 20% की कमी हुई है, आपका 96 रेट रह गया, तो आपका रेट था 100 और रह कितना गया आपका, 96। तो ये पूछ रहे हैं शुद्ध प्रतिशत कमी कितनी हुई है, तो अब ये आपका 100 के हिसाब से, अब देखो 100 रहा, कितना रह गया आपका, 96 रुपए, कितने कम हो रहे हैं, 4। अब 100 का 1% कितना होता है, 1, 2% 2, 3% 3, 4% 4, तो फाइनल इसमें कितने परसेंट की कमी हो रही है, 4% की। ये आपका रहा आंसर। इस सवाल को हम माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो कि हमने माना 100 रेट है, 20% की वृद्धि हुई है, तो आपके कितना हो गया, 100 और 20% 120 रुपए। अब 20% की कमी हो रही है, तो 120 का 20% आपका 24 रुपए, आपका माइनस करोगे आपका रहेगा कितना, 96.96 रुपए। अब रेट कितना था हमारा, 100, रह कितना गया आपका, 96 रुपए, तो टोटल फाइनल कितने कमी हुई है, 4 रुपए की, और 100 का 4% कितना होता है, 4 रुपए, इसलिए उसमें कितने परसेंट की कमी आई है, 4% की। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए हमने 100 माना था, जिससे क्या इसका, अब जैसे यहाँ पे 4 रुपए कम हुए हैं, तो हमने इजीली निकाल लिया कि 4 रुपए जो होंगे वो कितने परसेंट होंगे, 4 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।